गाजीपुर से ईटीवी क्राइम ब्यूरो संवाददाता, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का कमाल है देहरादून आजमगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं और एक एक का स्कोर एक ही सेवा एक के लिए सर्विस का है जैक्सन देहरादून, मुकाबला सम्मान का है प्रदीप और बार बार टारगेट करेंगे आप, मुकुल को चलना पड़ेगा अगर चलना है इन्हें एनसीए को चलना है तो फिर चलना पड़ेगा मुकुल को। गेट करें या किसको करें, तुरुत के इक्के हैं, किसको गेट करेंगे? हाँ ये तो अपने ही पैर पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली, दो दो हो गया जैसे सेमीफाइनल था, इलाहाबाद खेल रहे थे, एक अंकों का गणित था सेमीफाइनल के मुकाबले थे, आपने सोचा नहीं था। दो दो का स्कोर, सर्विस रोहित की सर्विस, पूरे टूर्नामेंट में सात बाल की मारक क्षमता की दस्ता का खिलाड़ी सौरभ, जब जब गेंद बनी है अंकों में तब्दील किया है सौरभ ने और इस समय तीन दो का स्कोर, तीन की सेवा दो के लिए। मौका आजमगढ़ के लिए अगर मैं कहूं, फिर एक बार प्रदीप, रोहित का प्रहार था मगर अंक नहीं लेता, सम्मान दांव पर लगा, प्रदीप है मुकुल है, चलना पड़ेगा। और उसमें दर्शकों बताओ एनसीए में मुकुल को चलना पड़ेगा, मारा क्षमता के साथ डिफेंस तो बहुत ही अच्छा है, लेप काफी अच्छा है, यह अपराध है बालीबाल में। कोच बताते हैं अगर सिंगल ब्लॉकर आपके सामने हो पारंगत खिलाड़ी अंक ले लेता है। पांच दो का स्कोर, पांच की सेवा दो के लिए। तीन अंकों का अंतर है, दूसरा थ्री का यह मुकाबला, पांच दो का स्कोर, अच्छी सर्विस, मौका बना है लिफ्टर के द्वारा हाथों में गेंद। अगर ये खिलाड़ी चल निकला खतरे में पड़ेंगे आप, अपने समय में कहने की बात नहीं है मुकुल की, आप जब बात करते हैं और हर उम्र में मेडल है इसके पास, और पूरे उत्तर प्रदेश की जो मेजर खिलाड़ी आर्सेल कॉलेज के बैठे हैं, और नहीं है ये कहने की बात नहीं है, मैं लिख के आपको दे दूं, खिलाड़ी जानते हैं दर्शक नहीं जानते होंगे, ये प्रहार है 10 नंबर के ऋषभ का, मुकुल 16, 18, 21, 14, 12 अंडर जो भी खेला है इस खिलाड़ी ने अपने समय में, गोल्ड मेडल इसके नाम है वो तगमा, 6-3 का स्कोर, किसको गेंद करेंगे प्रदीप? और इस खिलाड़ी के क्या कहने हैं, चलेंगे जरूर, बहुत बढ़िया रोज भैया। जब खट्टर थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुझे याद आता है क्योंकि करीब से मैं जानता हूं उस खिलाड़ी को। लाइन मैन स्कोर बोर्ड के सामने मैं खड़ा हूं और रोहित और मुकुल अब इस्तेमाल कैसे करेंगे प्रदीप भाई, क्योंकि ये भी बालीबाल के विश्वनाथन आनंद ही है मैं आपको बता दूं, मगर ये टारगेट कर दिया रोहित को, तुरुत के इक्के को टारगेट कर दिया, मुख्य डिफेंडर को टारगेट किया, मान्यता प्राप्त डिफेंडर, आज की सेवा चार के लिए। मौका बना है तिरेक का, इनके क्या कहने, जब जब गेंद बनेंगे अंक बनेंगे, 5-8 का इसको, 5 की सेवा 8 के लिए, सर्विस के लिए तैयार है प्रदीप, 8 नंबर की सेवा, 8 तो देहरादून है, 3 अंक पीछे है इस समय और सर्विस के बल पे ये कर लेते हैं, ये बात कहने की नहीं है, उनका प्रदर्शन रहता है इनका, खड़े खड़े सर्विस, 5 को टारगेट किया, सम्मानित डिफेंस से थाने ही जोर का झटका धीरे से लगे, खतरे में पड़ेगी देहरादून, ये 7-8 ये परेशान करेंगे,
प्रदीप पे गोली बजनी चाहिए। अगले साल फाइनलिस्ट है, सर्विस आते हैं रात के तेज गली, सर्विस आते हैं फाइनल के रेस में तो वो जीता भी। वो नाम नहीं है, वो नाम नहीं है, वो काउंटर स्ट्राइकर नहीं है जो कि ग्वालियर को रिप्रेजेंट करता है और इस समय 9-7 का स्कोर। ये क्या कर दिया आपने, बार बार गलती भारी पड़ेगी। चेयर को पीछे करते गए उठ सकती थी, 10-7 का स्कोर। हाँ चेयर पीछे करेंगे गेंदें उड़ सकती थी। बस की सेवा साथ के लिए मुकुल का त्योहार। वाह मुकुल का, आप प्रदीप की सर्विस। इस खिलाड़ी की तोड़ नहीं भूल पा रही है कोई भी टीम। निशान की और सच में बेहतर करेंगे आप ऐसे टूर्नामेंट में जब आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। लिफ्टर था तो कोई मतलब नहीं था, चलिए ये दे दिया, यंग दे दिया। सर्विस का इंजेक्शन प्रदीप भाई के द्वारा पहुंचा आती रेखा। बाज की भाई देते गेंद को डिफेंस कर लिया चाहिए और बना लिया और आई हो दादा भाई बवाल। 10 की सेवा 11 के गहरा दूंगे और ये कार्ड ढूंढेंगे प्रदीप, परेशान करेंगे आपको। सर्विस का एडवांटेज बढ़िया है। हाँ ये सेंटर ब्लॉकर जो मान है बड़ी भूमिका होती है, कुछ सेंटर ब्लॉकर ऐसे ही का सूत्रधार होता है। 12 की सेवा 10 के लिए 4 अंक लिए हैं इस खिलाड़ी ने जंपिंग सर्विस से, मतलब जीत की पटरी से अगर नजदीक किया है इस खिलाड़ी ने और फिरस किया टाइम आउट के 13 प्लस का स्कोर। सर्विस देहरादून की ओर से बिसिल बजी है मुख्य निर्णायक की, अंक चाहिए। ये पावर है 4-5 लगा दे रामगढ़ को, एनसीए को बराबर पे आने के लिए। ये डिफेंस है अंक का, अच्छा डिफेंस था। ये ताली बजा दीजिए एक अंक का के आवाज। ये सुरेखा बहुत ही अच्छी सर्विस उतरा है सादा डिफेंस। ये डिफेंस था, ये डिफेंस था और उठाना चाहिए था। सचिन भी दगाव के बाहर बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं। 14-12 एक अंक चाहिए इस सेट को जीतने के लिए। 15 पे ये चले नहीं, ये हार के सबसे बड़े कारण बने हैं।